आज मैं बना रही हूँ टूटे और फूटे, वो भी पपीते से। यहाँ पर हम पपीते को छील के कट कर लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। इसे हम टूटी फूटी को तरबूज के छिलके से भी बना सकते हैं। हमारा जो है पपीता छोटे छोटे पीस में कट गया है। अब इसे हम चलते हैं बॉयल करने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी पपीता का छोटा छोटा पीस कटा हुआ। इसे मैं 4 से 5 मिनट ढक के बॉयल कर लेती हूँ। ये हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप चीनी और 2 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से उबाल आने देंगे। ये हमारा जो है अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी छोटे पीस में कटा हुआ पपीता। इसे हम फिर से 5 मिनट बॉयल कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला। ये हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। अब इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं 3 कलर बनाऊंगी, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। आप चाहे तो आप अपने मन पसंद का कलर बना सकते हैं, लेकिन आप फूड कलर ही इस्तेमाल करें। अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ ऑरेंज कलर, आप फूड कलर ही लीजिए। अब इसे हम 12 घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे कि अच्छे से इसमें कलर आ जाए। हमारा टूटी फूटी तैयार हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब।